हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए फिर एक डोर मैट लेके आई हूँ। और वो डोर मैट ना तो आज हम चोटी बनाएंगे और ना उसको हाथ से सिलेंगे। वो डोर मैट हम डायरेक्ट कपड़े पर बनाएंगे और टोटल वेस्ट कपड़ों से बनेगा ये। और इसमें जो कपड़ा है मैं आपको दिखा दूँ, ये एक बेडशीट का पीस है, क्योंकि बेडशीट थोड़ी मोटी होती है, उसका कपड़ा थोड़ा मोटा होता है। तो ये मैंने लिया है 20x14 इंच का पीस है ये। और आप अपना कोई भी साइज़ ले सकते हैं, मैं तो केवल एक आइडिया दूंगी। और इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर पीस चाहिए होगा हमें। और उसके साथ हमें चाहिए, ये देखिए, साड़ियों से कैंची से ये काटे हुए लंबे लंबे पीस हैं। इस तरह से काफ़ी लंबे लंबे पीस हैं ये। जो बची हुई साड़ियाँ होती हैं या जो साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं उनमें की साड़ियों के ये लंबे पीस हैं इस तरह से। जैसे सब ये नरम साड़ियां हैं, इसीलिए इस पर हम मशीन चलाएंगे, लेकिन चोटी नहीं बनाएंगे। चोटी भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि इस पर मशीन आसानी से चल जाएगी, इसलिए हम आज इसको नए तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, पूरी साड़ी का बॉर्डर है और बहुत ही सॉफ्ट है ये, और इस पर हम मशीन चलाएंगे। और उसको कैसे बनाना है आइए हम इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको, धागा कोई भी ले लें, और जो टेंशन है वो 5 नंबर पे रखें, और एक कोने से इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो कोई भी पीस आप लें, इस तरह से एक कोई पीस उठा लें और इसको इस तरह से डबल करें। डबल करके बस इसको सिंपल ऐसे डबल करना है, और यहाँ पे रख के और बीच में मशीन चलानी है इस तरह से। बीच में हम मशीन चलाएंगे और फिर इसको पीस पीस में नहीं काटना है, बस सिलते जाए काटते जाए। अब ये जो एक पीस हमारा जुड़ गया है, अब इसमें हम फिर ये जो खुला हिस्सा है वो एक साइड, बंद एक साइड, फिर ये खुला वाला बंद की तरफ रहेगा, और इसके ठीक बगल में रख के हमें इसको बीच में सिल देना है। जो ये सिला वाला पीस है इसको इस तरफ राइट हैंड की तरफ पलट दें और इसको बीचों बीच मशीन चलाते हैं। नीचे बॉबिन में भी कोई धागा हो सकता है, ऊपर भी कोई धागा हो सकता है। इसमें कोई मैचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कलरफुल बनना ही है। तो देखिए, इस तरह से ये जुड़ता चला जाएगा। और अब यहाँ पर हम दूसरा कलर लगा देते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत कलर के रखे हैं अपने पास इस तरह से। इसको बीच में रखना है, और ये जो इस तरह की मैट है इसको भी फाड़ना नहीं है, चीरना नहीं है बीच में, इसको भी कैसे से ही तभी सफाई आएगी। तो ये बहुत जल्दी बनने वाला मैट है। ये देखिए, इस तरह से ये घना होता चला जाएगा, और नीचे इस तरह से मशीन चलेगी, फिर ये भारी होता चला जाएगा। क्योंकि ये मशीन से बन रहा है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कोई
मोटा भारी सीक्वेंस वगैरह ना हो। नहीं तो सुई के नीचे आते ही सुई भी टूटेगी और चोट भी लगने का डर रहता है। इस तरह से पूरा कलरफुल जोड़ते जाना है और ज़रूरी ही नहीं साड़ियाँ ही हों, आपके पास पुराने दुपट्टे वगैरह भी जो हों उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पुराने सूट हों, पुराने दुपट्टे हों, जो भी लंबा पीस मिल जाए, नरम हो, इस तरह से ये पूरा हैवी होता जाएगा और ये इस तरह से इसकी लुकिंग आएगी। और इसमें साड़ियों का या दुपट्टों का या कपड़ों का कोई अंदाज नहीं है और इसको आप अपने साइज के हिसाब से बना लें। कम पड़ जाए रख दें, अगली बार जब सिलाई करें कोई लंबा पीस निकले साइड से या पुरानी चादर निकले, पुराना दुपट्टा निकले, फिर बना करके इसको कंप्लीट करें, क्योंकि ये इतना नज़दीक नज़दीक जोड़ा जाता है कि इसमें इसका मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता। वजन होना शुरू हो गया है और ये इस तरह से पूरा ऊपर ऊपर निकल आएगा। इस तरह से सारे जितने कलर हैं सब चेंज कर करके लगाते चलेंगे तो ये सुंदर दिखाई देगा। जो सिले हुए पीस हैं उनको राइट हैंड की तरफ दबाते जाएं। ये पूरी तरह से वॉशेबल है, बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो फेंक दीजिए, क्योंकि वेस्ट को बेस्ट बनाया गया है और कभी हम लोगों ने काफी इस्तेमाल कर लिया, फिर नया बनाइए, फिर नया डालिए, ये सारी चीजें तो ऐसे ही काम आती हैं। इस तरह से ये पूरा सिलता चला जाएगा, पूरा पीछे बैक साइड में पतली पतली लाइन आएगी और ये पूरा एकदम डबल होके मोटा हो जाएगा। अभी मैं और बना के दिखाऊंगी। गोल्डन सिमेट्रा कहाँ है?
ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने पट्टी मोड़ी है इसका जो बंद हिस्सा है ये लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए, और जितना खुला पीस है वो राइट हैंड की तरफ होना चाहिए। इससे क्या होगा, सिलने में भी आसानी होगी और धागा फंसेगा भी नहीं। जब हम कहीं बाहर से आते हैं, खासतौर पे बरसात के दिनों में, तब हमें डोरमैट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या घर की धुलाई करते हैं या पोछा लगाते हैं, या ठंडियों में किचन में या बाथरूम के बाहर या मंदिर के बाहर पैर धोकर जहाँ भी हम जाते हैं, या पैर गीले होते हैं या कीचड़ लगा होता है, इस तरह के मैट बना के हर जगह रख दिए जाएं तो घर की साफ सफाई में आराम रहता है। और ख़ास तौर पे बच्चों के बेड के पास रखिए, उनकी टेबल के नीचे रखिए, ताकि उनके पैर जब उस पर पड़े तो अगर नीचे मान लीजिए उनका शार्पनर गिर गया है या पेंसिल गिर गई है या रबर गिर गया है तो उनके पैर के नीचे आकर के उनको लगे नहीं। ऐसे ही बड़े बुजुर्गों के पलंग के नीचे बड़े से बड़ा बना के रखिए, इसका पूरा पूरा रनर बनता है। इसी तरह से जाड़ों में काम आता है। अगर आपके घर में पेट हैं तो उनके भी काम आ सकता है, उनके लिए भी बना दीजिए, वो भी इससे बैठेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ की इस्तेमाल हो जाता है कपड़ों का, और गंदगी भी नहीं होती है, और बाज़ार से खरीदने में भी फुर्सत। और आपको ज़रा भी शौक़ है और तो आप इसको बनाएं, शौक नहीं है तो भी बनाएं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बस इस तरह से सिंपल एक डबल पट्टी रखनी है, एक पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है, ये 3 इंच जो है, ये जो हमारी पट्टी है ये 3 इंच पे मैंने सारे बॉर्डर काटे हैं, साड़ी काटी है, जो पुरानी साड़ियाँ थी जो गल जाती हैं, जो पहनने लायक नहीं होती हैं या फेड हो जाती हैं या जिनमें दाग धब्बा लग जाता है, तो उन कपड़ों का इस तरह से अच्छा इस्तेमाल होता है। हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में भी हमको हाथ के बने हुए कलरफुल मैट दिखाई देते हैं, वो भी उन्हीं कपड़ों से, उसके लिए कोई स्पेशल कपड़ा नहीं लगता है। तो क्यों ना थोड़ी बचत, थोड़ी सफाई और थोड़ी सी सफाई का ध्यान रखा जाए। और अगर किसी नए पीस को बना रहे तो आप उसको टेबल पे भी रख सकते हैं, टेबल के लिए भी बना सकते हैं, जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हों, टेबल मैट बना सकते हैं, इसके ऊपर शो पीस रख सकते हैं। कपड़े पे डिपेंड करता है, नया है पुराना है, आपको कैसा बनाना है, कहाँ रखना है, कैसे यूज़ करना है।
वजन होने लगा है तो इसको हम इस साइड कर देते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, बंद वाला हिस्सा अब हमारा लेफ्ट में चला जाएगा, सॉरी खुला वाला हिस्सा लेफ्ट में चला जाएगा, बंद वाला राइट हैंड पे आ जाएगा। रखना उसी तरह कपड़े को जैसे पहले रख रहे थे, ये वाला हिस्सा लेफ्ट में टर्न कर लेंगे। इस तरह के बचे हुए कपड़ों के डोरमैट खासतौर पे जब हमारा एक फेस्टिवल आता है होली, तब बहुत काम आते हैं, क्योंकि आमतौर पे हम घर अपने घरों में महंगे वाले डोरमैट लगा लेते हैं और रंग पड़ते ही वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको हटा दीजिए और इसको लगा दीजिए, तो इसमें अगर रंग भी पड़ जाएगा तो ये बुरा नहीं लगेगा और बाद में इसको वॉश करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास रेड कलर ज़्यादा है इसलिए इसको ज़्यादा लगा रही हूँ।
यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर आप ये बेडशीट का कपड़ा नीचे नहीं लगा रहे हैं तो आप जीन्स भी लगा सकते हैं। तो जीन्स पे अगर आप बना रहे हैं तो फिर इस तरह के कपड़े नहीं बल्कि शिफॉन की जो साड़ियाँ पुरानी होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं फिर उनको लगाइए आप, ताकि बहुत ज़्यादा मोटा होने पे सुई धागा टूटे नहीं, तो उससे भी बहुत सुंदर लुक आता है। और नीचे क्योंकि जीन्स का कपड़ा लग जाता है तो वो मजबूती बनी रहती है, और मोटे पे मोटा कपड़ा चलाएंगे तो बार बार धागा भी टूटेगा, हो सकता है सुई भी टूट जाए और फिर फिनिशिंग नहीं आएगी, जो आप बनाना चाहेंगे वो नहीं बन पाएगा। अब ये तो मैं बना लूंगी, बाद में कवर कर लूंगी। अब इसको और बेहतर और सुंदर कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको यहाँ पे काट देती हूँ, मैं बाद में इसको कंप्लीट कर लूंगी। मेरा मेन ये था कि ये आपको बताना था कि कैसे लगाना है। अब इसकी हम सज्जा कैसे करेंगे, ये देखिए, कोई भी अपोजिट कलर लेंगे, सेम प्रोसीजर में, बस पट्टी, ये जो ऊपर की पट्टी है इसे हमें इस तरह से, जैसे हम डोरी बनाते हैं उस तरह से, या पाइपिंग वगैरह के लिए काटते हैं फिर अंदर डबल कर देते हैं, इसमें कोई भी हमें सिरा दिखाई नहीं देता दोनों तरफ कपड़े का। इसको अंदर की तरफ ऐसे पलटिए, और सबसे पहले जो इधर से ये डाउन आ रहा है इसको हमें सिलना है इस तरह से। बाहर की तरफ अभी हम ये जो बाहर का हिस्सा है इस पे नहीं सिलेंगे बल्कि 2 इंच अंदर लेके सिलेंगे, उसको पाइपिंग की तरह हम डाल देंगे बीच में, और नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से डालने पे जल्दी निकलता नहीं है और एक सुंदरता आती है। जो दूसरा सिरा है इसको भी हम सिल देंगे। अब हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी यहाँ पे, अब हम दूसरा पीस लेंगे। जो ज़्यादा गले हिस्से हैं उसको हटा देंगे, फिर सेम प्रोसीजर में इसको हम जैसे डोरी बनाते हैं इस तरह से, जो भी बताया मैंने इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पे रख के पहले हम 1-1.5 इंच की दूरी पर सुई से फंसा देंगे, और फिर ये जितने पीस हैं उनको हमें उलटना है, और चाहे तो इसको हम और दूर पे कर सकते हैं तो वेव जो है उसका और अच्छा दिखाई देगा हमें। इस तरह से हमें रखना है, इसको सेंटर में मैं डाल देती हूँ। आप अपनी लंबाई चौड़ाई और जो भी मैट बना रहे हैं उसकी दूरी के हिसाब से इसको पाइपिंग डाल सकते हैं। अब ये जो जितना ये है, ये जो डाउन हिस्सा था हमारा, इसको हमें जस्ट अपोजिट इस तरफ लाना है, इस तरह से हल्का हल्का लाना है, इस तरह से एक एक प्लेट हमको दिखनी चाहिए इस तरह से। इस तरह से बराबर हाथ से इसको दूसरी तरफ डाउन कर लें और फिर मशीन चला दें। इससे ये मजबूती आ जाएगी और थोड़ा सा डिजाइन भी आ जाएगा। बस इसको हल्का सा डाउन करना है, जितने भी पड़ते हैं उसको एकदम अपोजिट साइड में प्लेट लेते हुए इस तरह से बराबर करते हैं। इसमें दूसरी तरफ इसमें भी सिलाई कर देंगे। अब
जो ये था पहले वाला हिस्सा, ये डाउन पे किया, फिर इसमें यहाँ वेव उलट दिया, फिर इसका वेव अब हम वापस जिधर जाना था उधर कर देंगे। तो इसको अब हम इस तरफ टर्न करेंगे, सारी प्लेट्स को इस तरह से, और इसमें भी पाइपिंग डाल देंगे, इस तरह से पाइपिंग डाल देंगे। तो जिधर वेव जा रही है डाउन की तरफ, इधर से हम पाइपिंग डालेंगे। कटिंग के समय जो अनियमित से हो गए हैं इसको बराबर कर देना है इस तरह से। इधर भी बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है, छोटा हो जाएगा, जो आगे पीछे पट्टियां हो गई हैं बस उसी को हटाना है। इसको यहाँ पे इधर साफ कर देते हैं। अब ये हमारा इस तरह से अभी कंप्लीट हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको पलटेंगे और इसमें चारों तरफ से पाइपिंग डाल देंगे। इसमें एक एक तरफ की पाइपिंग डालेंगे इस तरह से। इसको ब्लॉक कर देंगे। ये एक साइड की हो गई और इसके अब जस्ट अपोजिट वाली पहले जोड़ेंगे इस तरह से। सिल देते हैं इस तरह से। अब बारी है हमारी ये दोनों साइड की। इसमें जैसा मैं बताती हूँ आधा इंच करीब कपड़ा बाहर करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लॉक करेंगे। इसको पलटेंगे और जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा लॉक करने के लिए, ये जो सिलाई का हिस्सा था इसको अंदर, इसको इधर मोड़ा और इसको फाइनली अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से सफाई के साथ लॉक कर देंगे। इससे खुलेगा नहीं और यहाँ पर डबल मशीन।
सेम प्रोसीजर में उधर भी बनाएंगे हम। हाफ इंच बाहर करते हुए मशीन चलाएंगे। फिर उसी तरह से लॉक सिस्टम, इस तरह से यहाँ पे डबल मशीन, साइड भी लॉक सिस्टम, पाइपिंग को अंदर मोड़ते हुए सफाई के साथ। और ये हमारा डोर में तैयार हो गया इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये डोर मैट हमारा तैयार है। और ये जो डोर मैट होते हैं, अब देखिए इसमें एक वेव इधर आई है, एक वेव इधर आई है, इस तरह से ये जितना आप चाहें तो इस तरफ से भी लंबाई बढ़ा सकते हैं, पूरा रनर तैयार हो सकता है, और चाहे इसको पूरा स्क्वायर में बना सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड है कि कपड़ा कितना है हमारे पास और कहाँ पर हमें इसको यूज़ करना है। तो और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, जब उसको हम नहलाते हैं तो अक्सर उसको बेड पे खड़ा कर देते हैं या ज़मीन पे लेके बैठते हैं, गद्दियाँ बिछाते हैं। तो इससे अच्छा है कि गद्दियाँ ना गीली करके ये थोड़ा सा मेहनत करके बना लिया जाए, बच्चे को उस पर बैठाया जाए, साफ हो ये डिटॉल वगैरह से धुला हो। आपके पास आप खुद जानते हैं बच्चे के साथ कैसे एहतियात बरती जाती है। तो इस पर बैठाएँ, लेटाएँ और उसके बाद गद्दियाँ आपकी सुरक्षित रहेंगी। फिर इसके बाद इसको बाहर डाल दें सूखने के लिए। तो जो ये पुराने कपड़े होते हैं ये पानी बहुत जल्दी सूखते हैं, तो इस तरह से भी आप इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आप इसको बनाएंगे ज़रूर। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आने वाले वीडियो में, कुछ दिन बाद, 3-4 वीडियो के बाद मैं सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन 2 शुरू करने जा रही हूँ। तो आप लोग को जो भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दें कि आपको बैग के बारे में या बैग से संबंधित कोई भी जानकारी, या कपड़े के बारे में या सिप के बारे में, जो भी आपको जानना है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और मैं उस हिसाब से फिर आप लोग के सारे जो भी समस्या है सिलाई से संबंधित उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। और इसको आप लोग बनाएं और घर को सजाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी फिर कुछ नए लेके मिलेगी। नमस्कार।